एंड वेलकम टू द शो मूवीज एंड मोर। मैं कीर्ति हाजिर हूँ बॉलीवुड की एक्साइटिंग खबरों के साथ। बी टाउन में हर दिन कुछ नया होता है और इन नई खबरों से रूबरू कराएंगे हम आपको। इतना ही नहीं, हम आपको दिखाएंगे कि बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म कमांडो 3 में क्या है खास। उसके बाद जानेंगे इस फिल्म पर जनता का वर्डिक्ट। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की हाइलाइट्स पर। शो की शुरुआत करेंगे फिल्म कमांडो 3 के कड़क फिल्म रिव्यू से, जहां रितिका बताएंगी इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर आई इस एक्शन पैक्ड फिल्म में क्या है खास। इसके बाद आपको सीधा ले चलेंगे सिनेमा हॉल्स में और जानेंगे इस फिल्म पर क्या है जनता का वर्डिक्ट। करण जौहर, अनुराग कश्यप, जोया अख्तर और दिवाकर बैनर्जी की सुपर टीम बॉम्बे टॉकीज और लव स्टोरीज के बाद घोर स्टोरीज लेकर आ रही है। 4 शॉर्ट फिल्मों की इस सीरीज को नए साल के मौके पर रिलीज किया जाएगा। बात करेंगे बॉलीवुड सितारों की कमाई की। साल 2019 में अक्षय कुमार और आयुष्मान खुराना ने न सिर्फ बैक टू बैक हिट फिल्में दी बल्कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारे भी रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमांडो 3 के कड़क फिल्म रिव्यू से। ये फिल्म 29 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में विद्युत जामवाल, अदा शर्मा, अंगीरा धार लीड रोल में है। फिल्म का डायरेक्शन आदित्य दत्त ने किया है। फिल्म के बारे में ज्यादा जानने के लिए देखते हैं कड़क फिल्म रिव्यू। बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर आतंकवाद के खिलाफ और देशभक्ति पर आधारित फिल्में बनी हैं। उनमें से कुछ फिल्में सिनेमा की कसौटी पर बेहतर और सफल साबित हुई हैं, पर ज्यादातर फिल्में फॉर्मूला बेस्ड ही रही हैं। इन फॉर्मूला फिल्मों में बहुत मुश्किल से ही कुछ खास नया या ग्रिपिंग होता है, लेकिन देशभक्ति अपने आप में सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसे देखते हुए दर्शकों का जोश बढ़ना लाजमी है। नमस्कार, मैं हूं रितिका और आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की रिलीज कमांडो 3 के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है आदित्य दत्त ने, जो ऑलरेडी 4-5 फिल्में बना चुके हैं, इंक्लूडिंग आशिक बनाया आपने। तो कमांडो 3 की शुरुआत में ही दर्शकों को ये पता चल जाता है कि भारत में एक बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम देने की साजिश तैयार हो रही है और इसके लिए अलग अलग शहरों में आतंकवादियों को रिक्रूट किया जा रहा है और उन्हें पैसे और हथियार भेजे जा रहे हैं। तो जाहिर है कि इस साजिश को नाकाम करने के लिए भारत की सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस लग जाती है, जिसको लीड कर रहे हैं रॉय, प्लेड बाय राजेश तेलंग, और यही एंट्री होती है कमांडो करणवीर सिंह डोगरा यानी विद्युत जामवाल की, जो अपने मसल्स और पोनीटेल को टाइट करते हुए सामने आते हैं और पूरी फिल्म में हर क्रूशियल फाइट के पहले वो अपना पोनीटेल टाइट करना नहीं भूलते। थोड़ा जांच करने के बाद ही करण डोगरा को ये अंदाजा लग जाता है कि मेन टेररिस्ट लंदन में बैठा हुआ है और वहीं से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। तो करण डोगरा चल पड़ते हैं लंदन और उनके साथ जाती हैं इंस्पेक्टर भावना रेड्डी, प्लेड बाय अदा शर्मा, जो डोमिनेंटली साउथ इंडियन एक्सेंट में बात करने के साथ साथ बीच बीच में जोक्स भी मारा करती हैं, जो कई बार इम्प्लिसिटली सेक्सुअल भी होते हैं। भावना रेड्डी इस इंटेंडेड सीरियस फिल्म का फनी एलिमेंट है, हालांकि वो फाइट्स भी अच्छा कर लेती हैं। करण और भावना ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ मिलकर अपना काम शुरू कर देते हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की तरफ से उनको असिस्ट कर रहे हैं मल्लिका सूद यानी अनदर फीमेल लीड अंगीरा धर और अरमान प्लेड बाय सुमित ठाकुर। मल्लिका तो करण और भावना का एक्शन सीक्वेंस में खूब साथ निभाती हैं, लेकिन अरमान का हाथ सिर्फ कंप्यूटर के कीबोर्ड पर ही चलता है, जिससे वो आतंकवादियों की सारी जानकारी निकाला करते हैं। एक तरफ वो आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकवादी उन्हें। करण की टीम को फाइनली पता चल जाता है कि सारी साजिश का मुखिया आतंकवादी बुराक अंसारी है, प्लेड बाय गुलशन देवैया, जिसकी ब्रूटैलिटी इनकम्पेरेबल है और जिसने अपने बच्चे और एक्स वाइफ को भी नहीं बख्शा। करण और बुराक की जंग यानी आतंकवाद और देशभक्ति के बीच की जंग में कौन जीतता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन इस फिल्म के कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। फिल्म में विद्युत जामवाल ने एक्टिंग कम की है और फाइट्स ज्यादा किए हैं, हालांकि कहीं कहीं उनमें एक सिंसियरिटी दिखती है। अदा और अंगीरा प्लेजेंट हैं और दैट्स इट। उनकी फाइट्स भी काफी नकली लगती हैं। हाँ, फिल्म में फन के लिए जरा सा रोमांटिक एंगल भी है, लेकिन उसे एक्सप्लोर नहीं किया गया है। गुलशन देवैया और राजेश तेलंग काफी अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उनमें कई जगह कन्विक्शन की कमी नजर आती है। गुलशन कभी कभी उतने खूंखार नहीं लगते जितने वो इस फिल्म में बने हैं।
शायद अपनी कद काठी और पहले की फिल्मों में निभाए किरदारों की वजह से। ऐसी फिल्मों की दो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली तो ये काफी प्रेडिक्टेबल होती हैं और दूसरी ये कि इनमें लॉजिक को अक्सर सस्पेंड कर दिया जाता है। फिल्म वेल इंटेंशनड है लेकिन उस इंटेंशन को बहुत क्लम्सिली हैंडल किया गया है, इसीलिए राइटिंग में कई दफा बैलेंस बिगड़ जाता है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप कमांडो फ्रेंचाइजी की इस तीसरी फिल्म को याद रखते हैं या दो पुरानी फिल्मों की तरह भूल जाते हैं। ये कड़क फिल्म रिव्यू देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म कमांडो 3 कड़क है या नहीं। अब बिना देर किए चलते हैं सिनेमा हॉल्स में अदीबा के पास, जहां हम जानेंगे जनता से इस फिल्म पर उनके रिएक्शन। आइए देखते हैं कि क्या कहती है पब्लिक। बॉलीवुड में एक्शन फिल्में पसंद की जाती हैं और एक्शन फिल्मों को बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। एक्शन फिल्मों की कैटेगरी की बात की जाए तो कमांडो फ्रेंचाइजी ने अपना नाम इसमें काफी वक्त पहले ही जोड़ लिया था। वहीं अब रिलीज हो गई है कमांडो 3, जिसमें विद्युत जामवाल ने अपने एक्शन और स्टंट से काफी एंटरटेन किया है। टेक्सा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कमांडो फ्रेंचाइजी की फिल्मों को काफी सराहा गया था और अब हम पहुंच गए हैं पब्लिक के बीच, जहां उनसे हम जानेंगे कि उन्हें ये फिल्म देखकर कैसा लगा और इस फिल्म की कहानी के धागे कितने महीन हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मूवी थी। देशभक्ति पे आधारित मूवी है और उसमें जो है हिंदू मुस्लिम कैसे एकता कायम की जाए, इसका भी संदेश है मूवी में। बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत अच्छी। मैंने विद्युत की कभी भी मूवी नहीं देखी हॉल पे और मैंने फर्स्ट टाइम देखी है और वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। कैसे लगी विद्युत जामवाल की एक्टिंग? विद्युत जामवाल की एक्टिंग बहुत बढ़िया लगी और बहुत एक्शन है फिल्म में, बहुत एक्शन है और काफी देश के बेस्ड पर मूवी है। एक्शन तो बहुत अच्छा था बट मूवी ठीक ठीक है। विद्युत की एक्टिंग अच्छी थी, बाकी मूवी सो सो। काफी अच्छी मूवी थी। एक्शन ज्यादा अच्छी थी या एक्टिंग ज्यादा अच्छी? एक्शन ज्यादा अच्छे थे। और आपको विद्युत का एक्शन कैसा लगा? मस्त, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आई। जो एक्ट्रेस थी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शी वाज ऑसम, वेरी गुड मूवी। एक्शन कैसा था? बहुत अच्छा। विद्युत की एक्टिंग के बारे में क्या? बहुत अच्छा था। और जो एक्ट्रेस वगैरह है फिल्म में उनके बारे में क्या कहेंगे? It was nice, like in general it was a good movie. दोनों हीरोइन अच्छी थी, दोनों ने अच्छा काम किया। ये वाकई जैसे कि हॉलीवुड की तरह जो एक्शन मूवी में जो एक्शन करते हैं हीरोइन, उसी तरह की एक्शन देखने को मिला इसमें। अच्छी फिल्म है, एक्शन फिल्म है और ये विद्युत ने अच्छा काम किया। साथ ही ये जो मजहब के बारे में बात दिखाई है ना, बहुत अच्छा देखा है। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी, सेंसिटिव टॉपिक है, अच्छा है। है तो स्टोरी पुरानी है लेकिन क्या है नए तरीके से पेश किया, अच्छी लगी। डायरेक्टर आदित्य दत्त ने इस फिल्म में स्टंट और एक्शन डालने की कोशिश की है, जिन्हें बखूबी निभाया है विद्युत जामवाल ने, जिससे ये तो प्रूफ हो गया है कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए विद्युत जामवाल एक अच्छे एक्शन हीरो साबित हो सकते हैं। अब ये देखना तो दिलचस्प होगा कि एक्शन फिल्में पसंद करने वाले दर्शकों को ये फिल्म कैसी लगती है। बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का एक खास रिश्ता रहा है। बॉलीवुड की कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी कहानियां राजनीति और सत्ता के अंदरूनी खेल पर आधारित होती हैं। पॉलिटिकल कहानियों पर बनी फिल्मों को काफी पसंद भी किया जाता रहा है और इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत ने जिस तरह से करवट बदली है वो भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। महाराष्ट्र का ये सियासी ड्रामा लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो चलिए इसी बहाने याद कर लेते हैं उन बॉलीवुड की फिल्मों को जो राजनीति पर रची गई। बॉलीवुड की हजारों फिल्मों में कुछ फिल्में देश की राजनीति की कहानी बताती हैं, जिन्हें बहुत दिलचस्पी के साथ देखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं निर्माता शशधर मुखर्जी की फिल्म लीडर की, जो साल 1964 में रिलीज हुई। इस फिल्म में वेटरन एक्टर दिलीप कुमार और वैजयंती माला लीड रोल में थे। आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी दिलीप साहब ने खुद लिखी थी। इस फिल्म की कहानी में क्राइम और पॉलिटिक्स का कनेक्शन दिखाया गया था। वहीं 1975 में आई गुलजार की फिल्म आंधी की बात करते हैं, जिस पर विवादों के चलते बैन लगा दिया गया था। ऐसा कहा जाता था कि ये फिल्म उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित थी, लेकिन 1977 में जब नई सरकार बनी तो इस फिल्म को रिलीज किया गया। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म मानी जाती है। फिल्म में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन लीड रोल में थे और फिल्म के गानों को खासा पसंद किया गया।
कुछ सुस्त पड़म रते। वहीं संजीव कुमार को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। बॉलीवुड में कई डायरेक्टर्स ने राजनीति पर फिल्में बनाई हैं, जैसे कि प्रकाश झा, जो कि इंडस्ट्री में पॉलिटिकल और सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं की एक फिल्म राजनीति भी थी, जिसमें सत्ता की लड़ाई, परिवारवाद और वंशवाद के मुद्दों को व्यापक तरीके से दिखाया गया। इस फिल्म में अजय देवगन, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ, अर्जुन रामपाल, नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन चौर, मनोज बाजपेयी जैसे मंझे हुए कलाकारों ने काम किया था। पॉलिटिक्स की बात हो और उसमें फिल्म नायक का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नायक को बॉलीवुड की बेस्ट पॉलिटिकल फिल्मों में शुमार किया जाता है। फिल्म में अनिल कपूर महाराष्ट्र के एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं और राज्य की काया पलट कर देते हैं। ये फिल्म एक मैसेज देती है कि अगर राजनेता वाकई लोगों के लिए काम करना चाहें तो 5 साल नहीं, 1 ही दिन काफी होता है। इस फिल्म में अमरीश पुरी, रानी मुखर्जी, पूजा बत्रा और परेश रावल मेन रोल में नजर आए थे। एंटरटेनमेंट डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर्स करण जौहर, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप और दिबाकर बैनर्जी ने एक बार फिर से हाथ मिला लिया है। साल 2018 में आई लस्ट स्टोरी सीरीज के बाद चारों घोर स्टोरीज लेकर आ रहे हैं। इस हॉरर फिल्म को नए साल पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। ये 4 शॉर्ट फिल्मों की एक सीरीज है, जिसमें जानवी कपूर और मृणाल ठाकुर जैसे कलाकार नजर आएंगे। करण जौहर, अनुराग कश्यप, जोया अख्तर और दिबाकर बैनर्जी की सुपर टीम ने पिछले साल नेटफ्लिक्स पर लस्ट स्टोरीज नाम की फिल्म रिलीज की थी और अब ये सभी एक बार फिर साथ में काम कर रहे हैं। जी हाँ, नेटफ्लिक्स ने अपनी फिल्म घोस्ट स्टोरीज की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है, जो 1 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। फिल्म के रिलीज के बारे में डायरेक्टर्स की टीम, हाय, दिस इज अनुराग कश्यप, आई एम दिबाकर, दिस इज जोया। You know, last year we did Love Story and we had so much fun, which you also enjoyed, that we decided to go one step further. We ventured into a space that none of us had been in before. So this year we decided to do Ghost Stories. Video mein Karan Johar keh rahe hain, I don't think I can ever, ever look at big fat weddings the same way again. Jabki Anurag keh rahe hain, that bird songs don't sound sweet anymore. आपको बता दें कि ये 4 शॉर्ट फिल्मों की एक सीरीज है, जिसमें जानवी कपूर और मृणाल ठाकुर जैसे कलाकार नजर आएंगे। करण ने इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी शेयर कर दिया है। करण ने एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की एक फोटो शेयर की है। वहीं फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी इस फिल्म में अपने रोल का एक स्टिल शेयर किया है। My film with Zoya Akhtar for Ghost Stories will be streaming exclusively on Netflix at 12 o'clock sharp. Midnight on the 1st of January. फिल्म घोस्ट स्टोरीज में मृणाल ठाकुर और जानवी के अलावा अविनाश तिवारी, गुलशन देवैया, कुशा कपिला, सोभिता धुलीपाला, सुकांत गोयल और विजय वर्मा अहम रोल्स में होंगे। एंटरटेनमेंट डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। बॉलीवुड में कई सालों से खान तिकड़ी ने अपना दबदबा कायम रखा है। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, इन तीनों के नाम से ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्में हिट हो जाती हैं। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में अक्षय और आयुष्मान अब कुछ कम नहीं हैं। साल 2019 अक्षय कुमार और आयुष्मान खुराना के नाम रहा। जी हाँ, इन दोनों ही सितारों ने इस साल बॉलीवुड में बैक टू बैक हिट फिल्में दी हैं। ये दोनों ही इस साल के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों के तौर पर उभरे हैं। अक्षय कुमार की इस साल मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और केसरी जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं। इनमें से मिशन मंगल और हाउसफुल 4 ने 200 करोड़ क्लब में अपना नाम दर्ज करवा लिया। इसके अलावा फिल्म केसरी भी सुपरहिट साबित हुई थी। अक्षय की इन हिट फिल्म्स को देखकर अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि 27 दिसंबर को रिलीज होने वाली अक्षय की फिल्म गुड न्यूज भी हिट हो सकती है। ऐसे में अक्षय इस साल 4 बैक-टू-बैक हिट फिल्में दे सकते हैं। आपको बता दें कि अक्षय पिछले कुछ सालों से लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं और यही वजह है कि अक्षय अकेले ऐसे इंडियन स्टार थे जो एक साल में 444 करोड़ की कमाई के साथ फोर्ब्स लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहे थे। तो वही बात करें आयुष्मान खुराना की, तो वो कंटेंट और एंटरटेनमेंट के कॉम्बिनेशन से लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना रहे हैं। उनकी इस साल आई फिल्म आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल और बाला बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है और इस लिहाज से
आयुष्मान इस साल 3 हिट फिल्में दे चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2018 में आयुष्मान की फिल्म अंधाधुन ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। फिलहाल आयुष्मान अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गुलाबों सिताबों की शूटिंग में बिजी हैं, जिसे लेकर वो बेहद एक्साइटेड हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। शाहरुख खान की प्रोडक्शन रेड चिलीज एंटरटेनमेंट अपने नए प्रोजेक्ट फिल्म बॉब बिस्वास में जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन को लेकर आ रही है। इस फिल्म को दिया घोष डायरेक्ट कर रही हैं। बॉब बिस्वास में अभिषेक बच्चन साल 2012 में आई फिल्म कहानी के विलन बॉब बिस्वास का रोल प्ले करेंगे। बता दें कि बॉब बिस्वास एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो काफी फेमस भी हुआ था और अब अभिषेक का ये रोल निभाते नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन एक बार फिर बड़े पर्दे पर फिल्म बॉब बिस्वास से वापसी करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को शाहरुख खान की प्रोडक्शन रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस कर रही है। शाहरुख ने इस बात की ग्रैंड और ऑफिशियल अनाउंसमेंट अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर की। शाहरुख ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बॉब बिस्वास आ रही है, इसके साथ जुड़कर खुश हूं। फिल्म में अभिषेक बच्चन लीड रोल प्ले करेंगे और दिया घोष इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगी। वहीं अभिषेक बच्चन भी अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए नजर आए। अभिषेक बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अपनी अगली फिल्म बॉब बिस्वास के लिए एक्साइटेड हूं। इसके शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता। जाने माने फिल्म मेकर सुजॉय घोष की बेटी दिया घोष इस थ्रिलर फिल्म से बॉलीवुड में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाली है। खबर ये भी है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल यानी 2020 की शुरुआत में ही शुरू हो जाएगी और फिल्म के निर्माताओं का 2020 में ही इस फिल्म को रिलीज करने का टारगेट है। आपको बता दें कि 2012 में आई फिल्म कहानी के विलेन बॉब बिस्वास के कैरेक्टर को शाश्वत चैटर्जी ने बखूबी निभाया था। अब शाश्वत चैटर्जी के फैंस को यही डर सता रहा है कि जिस परफेक्शन से शाश्वत ने यह कैरेक्टर निभाया था, क्या उसी परफेक्शन के साथ अभिषेक भी इस किरदार को निभा पाएंगे या नहीं। एंटरटेनमेंट डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की बायोपिक जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएगी। 2016 में उनका निधन हो गया था। इस फिल्म में जयललिता का किरदार निभा रही हैं कंगना रनौत और फिल्म का नाम है थलाइवी। इसका फर्स्ट लुक टीजर रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले जयललिता अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस थी। जयललिता की जिंदगी पर आधारित फिल्म थलाइवी का टीजर आने के बाद से ही इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस टीजर में जयललिता की जिंदगी के दो अलग अलग फेज दिखाए गए हैं। पहला फेज जयललिता की जिंदगी के शुरुआती दौर का है, जब वो एक्ट्रेस थी, और दूसरा जब उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। सबसे ज्यादा बातें कंगना के लुक को लेकर हो रही हैं। इस फिल्म में कंगना को पहचानने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कंगना को जयललिता के हूबहू दिखाने की कोशिश की गई है। उनके इस लुक को सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया जा रहा है। कई लोगों को कंगना का लुक पसंद नहीं आ रहा है। एक शख्स ने तो ट्विटर पर यहाँ तक लिख दिया कि हमें अम्मा यानी जयललिता के लिए दुख हो रहा है, ये उनकी बेइज्जती है। लेकिन कुछ लोग कंगना के रोल से खुश हैं। एक अन्य शख्स ने लिखा कि इस फिल्म के लिए कंगना परफेक्ट हैं और ट्रांसफॉर्मेशन तो लाजवाब है। जय जी का जो किरदार है मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग और एंड फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, सो आप मुझे अपना चेहरा नहीं देखने को मिलेगा स्क्रीन पे, दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। कंगना ने पिछले कुछ सालों में अपनी एक्टिंग से बड़ी संख्या में दर्शकों का दिल जीता है। अब देखना है कि इस फिल्म के साथ वो ऐसा कर पाती हैं या नहीं। आपको बता दें कि फिल्म थलाइवी विजय के डायरेक्शन में बन रही है और ये अगले साल 26 जून को रिलीज होगी। एंटरटेनमेंट डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। बॉलीवुड के स्टार्स अक्सर विज्ञापनों में नजर आते हैं। कई बार उन विज्ञापनों में झूठे दावे किए जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में जाने माने एक्टर्स गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर एक उपभोक्ता अदालत ने 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक उपभोक्ता अदालत ने 15 दिन में दर्द से राहत देने का दावा करने वाले तेल के विज्ञापन में हिस्सा लेने के लिए गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ में उस तेल को बेचने वाली कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट का फैसला एक हर्बल ऑयल फर्म के खिलाफ किए गए 5 साल पुराने मुकदमे में आया है।
जुलाई 2012 में मुजफ्फरनगर में रहने वाले एक वकील अभिनव अग्रवाल ने अपने पिता ब्रजभूषण अग्रवाल के लिए 3,600 रुपए में ये तेल मंगवाया था। अखबार में छपे विज्ञापन में ये दावा किया गया था कि 15 दिन में ये तेल दर्द से मुक्ति दिला देगा और इसी तेल के ब्रांड एम्बेसडर थे जैकी श्रॉफ और गोविंदा। जब अभिनव अग्रवाल के पिता को 10 दिन में राहत नहीं मिली तो उन्होंने कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने रिफंड देने की बजाय उन्हें उल्टा परेशान करना शुरू कर दिया। तभी अभिनव ने तेल कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में अपनी याचिका डाली। कोर्ट ने याचिका पर कार्रवाई करते हुए उस विज्ञापन के सारे स्टेक होल्डर्स पर जुर्माना तो लगाया ही, कंपनी को ये आदेश भी दिया कि 9% सालाना ब्याज के साथ 3,600 रुपए अभिनव अग्रवाल को लौटाए जाएं। शायद इस पूरे मामले से बॉलीवुड और दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे सेलिब्रिटीज को ये सबक मिला होगा कि प्रोडक्ट्स का प्रचार करते वक्त वो बातें ना बोले जो सच नहीं है, नहीं तो आगे हो सकता है कि इससे बड़े मामले में भी वो फंसते नजर आएं। एंटरटेनमेंट डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गुड न्यूज के प्रमोशन में बिजी हैं, लेकिन इसी के साथ अक्षय ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गए हैं। जी हां, दो फिल्म्स में एक ही शर्ट और हेयर स्टाइल रखने की बात पर सोशल मीडिया पर अक्की का खूब मजाक बनाया जा रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स अपने लुक्स और ड्रेसिंग सेंस को लेकर काफी सतर्क रहते हैं, यही नहीं उनके फैंस भी अपने चहेते स्टार्स पर खास नजर रखते हैं। बॉलीवुड में जहां एक तरफ स्टार्स को कपड़े कॉपी करने के लिए ट्रोल किया जाता है तो वहीं कपड़े रिपीट करने के लिए भी उनका मजाक उड़ाया जाता है। और इस बार ट्रोलर्स के निशाने पर रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 अक्षय कुमार। जी हां, अक्षय कुमार जो कि इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गुड न्यूज के प्रमोशन में बिजी हैं और इसी फिल्म का एक मजेदार ट्रेलर आउट होने के बाद से अक्षय सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं। यू मीन सेक्स लाइफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 16 बार। दरअसल अक्षय कुमार के एक फैन पेज ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटोग्राफ शेयर की है। इस फोटोग्राफ में एक तरफ फिल्म हाउसफुल 4 के सीन में अक्षय और कृति सैनन साथ दिखाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म गुड न्यूज के सीन में अक्षय करीना के साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटोग्राफ में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों ही सीन्स में अक्षय कुमार ने एक ही टी शर्ट पहन रखी है, जिसके लिए उनका काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। अक्षय का मजाक बनाते हुए एक फैन ने लिखा, एक ही दिन में दो जगहों पर अक्की सर। वहीं एक और फैन ने लिखा कि बजट भी इतना नहीं कि कम से कम डिफरेंट मूवीज में डिफरेंट क्लोथ्स पहन सके। अक्षय कुमार की उसी तस्वीर पर उनके एक और फैन ने ये तक लिख दिया कि क्या एक ही शर्ट है अक्षय के पास। इन ट्रोल्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अक्की की फिल्म गुड न्यूज की शुरुआत इतनी गुड नहीं हुई है। तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए, पर ऐसे नहीं कि बेडरूम में जाते हो ऐसा लगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के ले जा रहा हूँ। एंटरटेनमेंट डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। इस हफ्ते सेलिब्रिटीज की दुनिया में काफी कुछ खास हुआ, चाहे बात सुपरस्टार सलमान खान की हो या फिर पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कर की। फैंस को उनके बारे में कुछ नई जानकारी मिली और उनके नए लुक का दीदार करने का भी मौका मिला। देखते हैं क्या रहा खास एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। बॉलीवुड के सल्लू मियां अब बदनाम होने वाले हैं। अरे अरे चौंकिए नहीं, हम तो उनकी अपकमिंग फिल्म दबंग 3 के गाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सलमान खान ने इस मजेदार गाने को अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है। इसी के साथ सलमान ने लिखा है, With the most badass song, मुन्ना बदनाम हुआ। अब जब बात सलमान खान की हो रही है तो कैटरीना कैफ कैसे पीछे रह सकती है। गॉर्जियस कैटरीना कैफ ने भी अपने इंस्टा अकाउंट पर अपने दोस्तों के साथ एक प्यारी सी फोटोग्राफ शेयर की है। इस फोटो में कैटरीना बहुत खूबसूरत लग रही है। अब बात करें कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की तो ये जग जाहिर है कि वो अपने शो द कपिल शर्मा शो में कैसे सभी सेलिब्रिटीज की खिंचाई करते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने पति पत्नी और वो के प्रमोशन के लिए आए फिल्म स्टार्स के साथ किया। उन्होंने कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे से कुछ मजेदार सवाल पूछे। कभी पार्टी में तेज म्यूजिक चल रहा हो, उसकी आड़ में कभी फाट किया? तो
दूसरी तरफ चुलबुली नेहा कक्कड़ के बारे में भी सभी जानते हैं कि वो सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहती हैं। नेहा कक्कड़ ने अपनी कुछ लवली फोटोग्राफ्स अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट की। इन फोटोग्राफ्स में नेहा ने बैकलेस ड्रेस पहनी हुई है जिसमें वो बेहद क्यूट नजर आ रही है। एंटरटेनमेंट डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। अब मैं आपसे लूंगी इजाजत और मिलूंगी मूवीज एंड मोर के अगले एपिसोड में बॉलीवुड की नई खबरों के साथ। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज newsplatform.in को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक देखते रहें हमारा चैनल स्वराज एक्सप्रेस।